हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NICL AO रिजल्ट 2024 के बारे में। तो जो आपका रिजल्ट है वो कब तक रिलीज किया जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम क्या रहेगा, डाउनलोडिंग का प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है की वीडियो में, तो मेक श्योर वीडियो लास्ट देखें। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो सिंपली बढ़ेंगे आगे वीडियो तरफ। दोस्तों बात करें, जो आपका एग्जाम है वो फिलहाल 4 मार्च को कंडक्ट किया गया था। रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल रहेगी, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मिड अप्रैल के आसपास, क्योंकि जनरली जो रिजल्ट होते हैं या तो मंथ के मिड में आते हैं या फिर लास्ट वीक में। जनरली सेकेंड थर्ड वीक आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि रिजल्ट डिक्लेयर की जाए। बाकी ऑथेंटिकली आप पुराना आर्टिकल चेक कर लीजिएगा, लास्ट 2 ईयर्स के, मतलब 2 या 3 ईयर्स के, 2022 से 2023 का आप सेशन डाल के गूगल पर सर्च करेंगे तो पुराने आर्टिकल यानी उस टाइम की अपडेट्स उसके आ जाएंगे, उस साल की। वो 1-2 साल पुराने अपडेट्स होंगे और उसमें एग्जाम डेट और उसमें एग्जाम रिजल्ट कब आया था वो भी लिखा होगा, दोनों का डिफरेंस है, पता चल जाएगा। ये तो पुरानी डेट की है और बाकी इस साल की कह रहे हैं कि अराउंड आपके मिड ऑफ अप्रैल में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, सेकंड या थर्ड वीक, 15 के अराउंड मान के चल सकते हैं। बाकी इसको डाउन कैसे करना होगा, ये पूरा आर्टिकल rgmarch.org वेबसाइट का लिंक है, इस पर जाकर चेक कर लीजिएगा। डाउनलोड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, होम पेज पर आपको लिंक मिलेगा, रिक्रूटमेंट टैब में या फिर लेटर न्यू सेक्शन में, जहाँ पर भी लिंक दिखे आपको क्लिक करना है। तो लॉइन करेंगे यूजर आईडी पासवर्ड से, लिंक पर क्लिक करने के बाद और फाइनल जब आप सबमिट कर देंगे अपनी इन्फॉर्मेशन तो आपका जो रिजल्ट है वो शो जाएगा स्क्रीन पर। थैंक यू।